हेलो एंड वेलकम टू फिल्मी बीट। शुरू होने से पहले ही ठंडे बस्ते में गई है कृति सेनन की अपकमिंग फिल्म। डायरेक्टर राहुल ढोलकिया ने उठाया है ये कदम। वेल बताते हैं क्या है पूरी खबर। तो बॉलीवुड के गलियारों से कुछ दिनों पहले ही ऐसी खबरें आने लगी थी कि एक्ट्रेस कृति सेनन जल्द ही रईस डायरेक्टर राहुल ढोलकिया के साथ अपनी अपकमिंग फिल्म करने वाली है। इस फिल्म की शूटिंग 2020 के मिड में शुरू होने वाली थी, लेकिन अब बताया जा रहा है कि कृति सेनन की ये फिल्म ठंडे बस्ते में चली गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कृति की आने वाली फिल्म रियल लाइफ पर इंस्पायर्ड होने वाली थी, लेकिन डेट इश्यूज के चलते फिलहाल फिल्म को रोकना पड़ा है। वेल फिल्म से जुड़े हुए सोर्सेस ने बताया है कि राहुल ढोलकिया अपनी अपकमिंग फिल्म को तय समय के अंदर शुरुआत से लेकर अंत तक शूट करना चाहते थे, लेकिन अब इसे शुरू करना थोड़ा मुश्किल लग रहा है क्योंकि कृति सेनन ने अपनी अपकमिंग फिल्म्स को लेकर अपनी डेट फिक्स कर ली है। राहुल ढोलकिया जिन तारीखों में फिल्म शूट करना चाहते थे, एक्ट्रेस ने वो डेट किसी और डायरेक्टर के साथ फिक्स कर ली है। तो राहुल ढोलकिया ने इस फिल्म के लिए किसी दूसरी एक्ट्रेस से अभी तक बात भी नहीं की है और फिलहाल उन्होंने फिल्म को बंद करने का फैसला कर लिया है क्योंकि फिल्म अनिश्चित काल के लिए बंद हो गई है। तो राहुल ढोलकिया ने अगली फिल्म पर भी काम करना शुरू कर दिया है। सोर्सेस ने बताया है कि राहुल ढोलकिया एक एक्शन ड्रामा फिल्म बनाने जा रहे हैं जो मुंबई शहर की कहानी होगी और वो फायर फाइटर तुकाराम की जिंदगी को दिखाने की कोशिश करेंगे। फिल्म में काफी VFX वर्क होने वाला है। बताया जा रहा है कि राहुल ढोलकिया की इस फिल्म के लिए लीड एक्ट्रेस का चुनाव भी हो चुका है और जल्द ही प्रोडक्शन हाउस की तरफ से ऐलान भी कर दिया जाएगा। वेल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। कैसे लगी है आपको ये वीडियो हमें कमेंट्स के जरिए बताना ना भूलिएगा। इस वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा।